नमस्कार, मैं दीदी फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तहत विविध अनुशासन और कठोर पालन करना शुरू कर दिया है। 22 जनवरी को वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे। अपने नियमित कामकाज और दौरे के बीच में प्रधानमंत्री जी फलहार और जमीन पर सो रहे हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक बड़ी ही पवित्र प्रक्रिया है, जिसके लिए कड़ी नियमों का पालन करना जरूरी है। अनुष्ठान में जिन यम नियमों का पालन करना होता है, उसमें यजमानों को सुबह उठकर नहाना पड़ता है। नियमों के अनुसार बाहर के भोजन का त्याग करना होता है, जिसमें सिर्फ घर का बना खाना ही खा सकते हैं। पीएम मोदी 11 दिवसीय जिस अनुष्ठान को कर रहे हैं, उसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। शास्त्रों में देव प्रतिष्ठा की मूर्ति के ईश्वर शक्ति के संचार का अनुष्ठान बताया गया है, जिसमें अनुष्ठान से पहले व्रत के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसी धार्मिक और शास्त्रीय प्रक्रिया का पालन करते हुए पीएम मोदी 11 दिवसीय व्रतों का आवास कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री देश भर के मंदिरों का दौरा करना और कई भाषाओं में रामायण सुनाने के लिए भी मंदिरों में जा रहे हैं। मंदिरों में भोजन में भाग लेना, क्योंकि इसका प्रभाव धर्म के आम तौर पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही पीएम मोदी देश भर के अलग अलग मंदिरों का दौरा अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और के मजबूत करने के लिए भी कर रहे हैं, और स्वच्छता तीर्थ पहले ही शुरुआत कर चुके थे और इसके साथ ही खुद का इसका नेतृत्व भी जरूर कर रहे हैं। 12 जनवरी को उन्होंने नासिक में एक श्री काला मंदिर के मंदिर परिसर में खुद सफाई की। सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी को अलग अलग 45 नियमों का पालन करना पड़ रहा है। इन नियमों के तहत जमीन पर सोना, फलहार करना आदि ऐसे कार्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन दीपावली की तरह अपने घरों में दीपक जलाने के लिए भी अनुमति की और उन्होंने कहा कि गरीबों को भोजन भी खिलाया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को अपने कैबिनेट बैठक के व्यक्त करते हुए उन्होंने केंद्र मंत्रालय से कहा कि 22 जनवरी के बाद अपने राज्यों में श्रद्धालुओं के साथ मंदिर जरूर जाइए। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।